सर। कोई नहीं, ओके। तो डीपीपी 1 to 5 बोला था, डीपीपी 1 कोई डाउट? डीपीपी 1 कोई डाउट? क्यों, दो ही हुए डीपीपी। हाँ दो ही क्यों हुए? कब करोगे बाकी? नेक्स्ट लेक्चर तक। ओके। डीपीपी 2 कोई डाउट? नेक्स्ट डे 3 to 6 करके आना है आपको, डीपीपी A3 to A6 करके आना है, ठीक है? बोलो, ओके कर लेना यार, तुम्हारा ही फायदा होगा, तभी फायदा होगा जब तुम करोगे क्वेश्चंस, अगर करोगे नहीं तो क्या फायदा। सर। हाँ बोलो। सर DPP 1 का फोर्थ क्वेश्चन। DPP 1 का फोर्थ क्वेश्चन ये ना, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, यही वाला। नो सर। ये तो कौन सा क्वेश्चन है? सर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक सेकेंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा डीपीपी मिला है तुम्हें? क्या डीपीपी का नाम क्या है? सर मेंस प्लस एडवांस का है। डीपीपी नंबर का A1 ही है ना? हाँ सर। मेन का करना है अपने को, ठीक है? एडवांस का नहीं करना है अभी, पहले मेन का करते हैं, बाद में एडवांस का डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, एक सेकंड, मैं डीपीपी भेज भी देता हूँ, जो डीपीपी मैं भेज रहा हूँ उससे करना है आपको। सेंड कॉपी। सर मेरे इसमें तो सारी जे एडवांस भी है। हाँ चलेगा, वो भी करना है अपने को डिस्कस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबको साथ लेके चलना है, वो भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे। मैंने अभी आपको भेजा, एक सेकंड, हम तेरा एडवांस वाला निकालने दे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इफ ए बी सी आर ऑड इंटीजर देन ए प्लस बी प्लस सी कैन नॉट बी जीरो। अब ए बी सी तीनों एक सेकंड ऑड है, तो क्या तीनों ऐड करके जीरो नहीं हो सकता है? आप ही बताओ, हो सकता है क्या? ए प्लस बी ऑड है तो दोनों मिलके इवन हो जाएगा, सी तो ऑड है, कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा क्या? आप ही बताइए, कॉमन सेंस लगाना यहाँ पे, बोलो। नो सर। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो क्या बोल रहा है? तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इफ ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही बात है, वापस से ऑड है तो ऑड का स्क्वायर भी तो ऑड ही होता है, तो वो भी क्या, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इवन हो जाएगा, और माइनस सी स्क्वायर तो ऑड है, तो इवन माइनस ऑड कभी नहीं हो पाएगा पॉसिबल। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी सी क्या है, क्या है बताओ? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। उसका क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं हो सकता है, बट ये देख के उतना तो समझ में आता है। देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इज इवन। बिल्कुल यार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तो ऑड लोगे तो सी स्क्वायर को इवन होना पड़ेगा। अगर ई स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर दोनों इवन है तो सी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इवन ही हो जाएगा। तो किसी भी केस में तीनों में से कोई एक को इवन तो होना ही पड़ेगा, है कि नहीं? आई बात समझ में? हाँ सर। यस बोलो। सर। फोर्थ क्या, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वेर ए बी सी आर इंटीजर्स देन सी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी। नहीं यार, बिल्कुल नहीं। पहला एग्जाम्पल ले लो, 3 4 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर है, बट क्या 3 प्लस 4 7, 7 से 5 ज्यादा है क्या? नहीं ना, है कि नहीं, बताइए। यस सर। यस सर। इसीलिए डी रॉन्ग है, ए बी सी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है? समझे बात आप? सर ए वाला नहीं समझा। थोड़ा दिमाग लगा, ए बी सी ऑड है तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो सी भी ऑड ही है, इवन प्लस ऑड कभी जीरो हो पाएगा क्या? नो सर।
ये चारों जानवी, रूही, साहिल और यश सब अपने बैच के हैं ना? हाँ सर। और कोई डाउट नहीं ना डीपीपी 1 और 2 में? चलो ये तो एडवांस का था, जान जाओ। नेक्स्ट डे आप कौन से किसका? इसी का। आप लोग आपने भी यही वाला किया है? हाँ सर। नेक्स्ट डे नहीं, जो मैंने अभी भेजा है वो वाला करके आना है। ओके सर। इफ एंड इज अ प्राइम नंबर, ये बताऊंगा बाद में। 7th वाला भी रहने दो, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, अब देखेंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक सर्कल्स कहाँ तक पढ़ा था? इस सर्कल्स पीएनसी चल रहा था ना लोगों का? हाँ सर। हाँ सर। पीएनसी कहाँ तक पढ़ा था? बताओगे लास्ट एग्जांपल क्या लास्ट क्या? में क्वेश्चन करे तो बैगर्स रूल का सर कर रहे थे। अच्छा, कौन सा लास्ट एग्जांपल क्या था बताओ? इन ऑल वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट। आवाज, अच्छा मैं समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 20 आर पॉसिबल? सर ये पीएनसी का क्वेश्चन है। हाँ भाई पीएनसी का ही क्वेश्चन है। सर 22C2। ठीक है बता दूं? बोलो सर 2 मिनट। सर बोलो। सर आपने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था लास्ट टाइम उसका आंसर क्या था? क्या क्वेश्चन था एक बार फिर से बोलो। इन हाउ मेनी वेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट 10 एप्पल्स 5 मैंगोज 4 ऑरेंजेस अमंग 4 पर्सन? पहले 10 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। खत्म। दिस इनटू दिस आंसर। ठीक है आगे भी था सर क्वेश्चन क्या कुछ? बस मैं समझ अमंग गया ना फोर क्वेश्चन क्या पर्सन था। व्हेन ईच पर्सन मे रिसीव एनी नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी जी आंसर ये, मैं क्वेश्चन समझ गया था ना, मेरे पास है ना उसके लिए बोला मैंने। ओके मैम ओके सर। ये आंसर है। अभी वाले क्वेश्चन का एक ने आंसर दिया है, और कोई? देखो बात तो वही है ना कि 20 सपोज 20 आइडेंटिकल चीजें हैं, 20 एप्पल्स है या 20 कुछ भी है जो कि अलाइक है, उन सबको एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे कि
अब एक्स देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं हो कि एक्स का वैल्यू नेगेटिव रखी नेगेटिव आ जाए। एक्स का वैल्यू जीरो से ट्वेंटी तक ही आ सकता है ना। एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? जीरो से ट्वेंटी तक। वाई का वैल्यू भी जीरो से ट्वेंटी तक हो सकता है, ट्वेंटी से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि वाई का वैल्यू ट्वेंटी से आप ज्यादा लोगे तो एक्स और जेड में किसी को नेगेटिव में रखना पड़ेगा, तो नेगेटिव तक तो रख नहीं सकता है। तो क्योंकि एक्स वाई जेड जीरो से ट्वेंटी तक ही जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर आप बोलोगे कि बीस चीजों को तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ट्वेंटी प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ट्वेंटी, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, and z is greater than equals to 0. ठीक है, बाकी लोग बाकी लोग नहीं होगा बता दूं। हेलो देखो, अब यही पे डिफरेंस है कि इसमें सीधे हम लोग वो 22 सी टू नहीं बोल सकते क्योंकि एक्स का वैल्यू अब नेगेटिव में भी हो सकता है, y का वैल्यू तो जीरो ही नहीं हो सकता है, और z का वैल्यू नॉर्मल है, और z का वैल्यू जैसा चाहिए वैसा है। तो इसको कैसे करें? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सारे टर्म को जीरो बनाने का ट्राई करेंगे। जीरो बनाना मतलब कि ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट जीरो रख पाए, मतलब जीरो से लेके ट्वेंटी तक उस टर्म का वैल्यू वेरी होना चाहिए। तो अगर मैं x की जगह पे x प्लस फोर करूं तो कोई प्रॉब्लम है? बताइए। प्लस y को y माइनस वन कर देता हूं, z को z ही रहने देता हूं, इक्वल टू इधर आपने क्या ऐड किया है, 23 ऐड किया है, तो इधर 23 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि अब x प्लस फोर का वैल्यू जीरो से 20 तक जा रहा है, y माइनस वन का वैल्यू जीरो से 23 तक जा रहा है, और z का वैल्यू भी जीरो से 23 तक जा रहा है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताइए। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से हो सकता है, देख लो कितने तरीके से होता है। वापस से 23 आर्टिकल्स को या 23 ऑब्जेक्ट्स को तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 23 प्लस 2 सी 2 25 सी 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। आई थिंक 300 आएगा ना, पता नहीं।
हो गया। हेलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल्स टू 20। अच्छे से ट्राई करो, देखते किससे हो पाता। x plus y plus z is less than equals to 20. बता दूं? बोलो। दो मिनट जल्दी कर। बता दो। हेलो। हाँ सर। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। x प्लस वाई प्लस जेड नॉन नेगेटिव में जाना है तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है ना, वन हो सकता है और टू हो सकता है। ऐसे करके x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 20 तक हो सकता है। तो वन को तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? वन प्लस टू थ्री सी क्या होगा? बोलो। टू होगा ना? यस। प्लस ये क्या हो जाएगा? फोर सी टू। नेक्स्ट क्या होगा? फाइव सी टू होगा ना? बोलो। यस सर। ऐसे ऐसे करके 22C2 तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए सर? वो एक बार वापस होता ना 3C2 वाला।
वन को तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बता, बोलो। 3c2 तरीके से, क्योंकि ये 1 प्लस ये 3 माइनस 1, 1 प्लस 2 c2, तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है, वही बेगर्स रूल यूज कर रहे हैं हम लोग बार बार। और हाँ ये भी तो x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0 बोला मैंने बट लिखा नहीं, x y प्लस 0 भी तो होगा, इसका भी तो 2c2 ले ले, है ना। तो ये फॉर्मूला याद है क्या, ये हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम में पढ़ा था, क्या हो जाता था ये फॉर्मूला, हो जाता था दोनों में 1 ऐड कर दो, है ना, वही आंसर हो जाता था। याद आया कुछ, बोलिए। यस यस लिख लो। हो गया, yes, sir. अब आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ग्रुप्स कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग। अगर ग्रुप्स बनाना हो तो क्या करेंगे, देखो ग्रुप बनाना क्या होता है, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास टोटल 10 आदमी है या 10 लोग है टोटल, टोटल 10 आदमी है जिसमें ग्रुप बनाना है आपको 5-3-2 का, मतलब पांच लोगों का एक ग्रुप बनाना है, तीन लोग का एक ग्रुप बनाना है, दो लोगों का एक ग्रुप बनाना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे बीच में एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसीलिए अब ये देख के आपको ख्याल आएगा कि एक तरह से 10 लोगों को अरेंज ही तो करना है, जिसमें कि पांच अलाइक है, तीन अलाइक है, दो अलाइक है, आई बात समझ में। तो फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, 10 factorial divided by 5 factorial into 3 factorial into 2 factorial, ये हो जाता है ग्रुप्स फॉर्म करने का तरीका, ठीक है। मतलब कि मैं ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ वेज इन विच सपोज m plus n plus p ले लेता हूं, दिस डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड into three groups containing m n p three things is kitna ho jayega m plus n plus p factorial divided by m factorial into n factorial into p factorial, लिख लीजिए। इसमें एक लिख लिया, बोलो तो मैं आगे बताऊं। नहीं सर, ठीक है लिखो। हो गया, हाँ सर। अब अगर मान लो ग्रुप का साइज सेम हो, मतलब कि चार लोग मैं लेता हूं ए बी सी डी, देखना ध्यान से,
अब इन चारों में मुझे दो दो का ग्रुप बनाना आएगा, दो लोगों का एक ग्रुप, दो लोगों का दो दूसरा ग्रुप बनाना आएगा। तो आप ही सोचो, आप क्या बोलोगे कि 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial कर देते हैं, उससे क्या होगा 6 हो जाएगा, है ना, 4 factorial by 2 into 2, हाँ 6 ही आएगा। लेकिन आप एक बार ग्रुप बना के देखो, तो पहला ग्रुप में अगर ए बी, दूसरा ग्रुप सी डी, पहला ग्रुप ए सी, दूसरा ग्रुप बी डी, पहला ग्रुप ए डी, दूसरा ग्रुप बी सी, इसके अलावा कुछ और बना पाओगे क्या, बोलो। अरे बोलिए, नहीं बना पाओगे, तो फिर आंसर 6 क्यों आ रहा है? 6 इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि इधर ये इसको भी अलग ग्रुप माना गया है। अगर दो दो का सेम है, दो और दो का ही ग्रुप बनाना है, तो अगर सी डी इधर होता, ए बी इधर होता, तो है तो ये दोनों अलग सेम ही, बट यहाँ पे अलग अलग मान लिया गया है उसको। इसीलिए जब भी एक ही साइज के ग्रुप्स बनाने हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी एक ही साइज के ग्रुप बनाने हो, तो जितने इक्वल ग्रुप है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मिस मैं ये बोलूंगा कि इफ एम और एन और पी इक्वल हो गया तो फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, एम प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बाकी सब सेम रहेगा, एम फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल, तीन ग्रुप सेम है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल भी कर देंगे, क्योंकि उनका आपस में जो अरेंजमेंट एक्स्ट्रा कर दिया है उतने से डिवाइड कर दिए, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि 15 लोगों में 5 5 5 के 3 ग्रुप बनाओ, तो क्या बोलोगे आप, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर मैं बोलूं कि 15 के ही आप 3 ही ग्रुप बनाओ, 6 6 3 का, तो क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब दो ही ग्रुप सेम साइज का है ना, तो 2 फैक्टोरियल से आपको एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ेगा। आई थिंक एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा बेटर आइडिया मिल गया होगा। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। यस यस सर। लिख लो, हो गया? यस सर। ट्वेल्व डिफरेंट टॉयज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 children equally in how many ways this can be done। अच्छे से दिमाग लगाना,
हो गया ये नहीं होगा। हेलो 25 ठीक है, बाकी लोग जल्दी करो। सर सर 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल के फॉर्म में भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल सेम आंसर ठीक है। और कोई सर सेम मेरा भी सेम। देखो अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अब तुम ही सोचो, आपने ग्रुप फॉर्म कर दिया, आपने ग्रुप फॉर्म कर दिया, कैसे ग्रुप फॉर्म किया? आपको बोला लगा कि इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 12 और तीनों को इक्वल मिलना चाहिए, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल और तीनों सेम ग्रुप है इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ था। अब देखो मैंने इसे एग्जांपल भी दिया था कि ए बी सी डी, अगर ए बी यहाँ आ गया, सी डी यहाँ आ गया, ए बी यहाँ आ गया, तो फर्स्ट और लास्ट वाला दोनों डिफरेंट मान लिया गया है जो कि ग्रुप बनाने में नहीं मानना चाहिए, बट यहाँ पे टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो मान लो तीन लोगों में बांट रहे, ए बी सी तीन लोग है और टी वन टी टू टी थ्री टी फोर इस तरह से टॉयज है, तो टी वन टी टू इसको मिला, T3, T4 इसको मिला। अब अगर T3, T4 इसको मिल जाए और T1, T2 इसको मिल जाए, तो क्या दोनों डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग हो गया ना? आई बात समझ में? Yes sir. Yes sir. तो यार ग्रुप बनाने की कहानी आपने बिल्कुल सही लिया, ग्रुप आपने बना लिया, तीन ग्रुप बन गए, अब उन तीनों ग्रुप को तीन लोगों में 3 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो या तो तुम वैसे डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल से डिवाइड ही नहीं करते, अगर कर ही दिया है तो फिर ऐसे समझ लो। आई बात समझ में है? बताइए। यस सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले तो सर में करना पड़ेगा क्या? जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो फिर सर वो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ लोगों में तो आपको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल हो गया। आई बात समझ में सबको? सर वो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? डिवाइड क्यों किया वो तो देखा आपने, तीनों ग्रुप सेम साइज के थे तो उसकी फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना था, वो तो ऊपर देखा था हम लोगों ने, है ना। मल्टीप्लाई इसी किया है कि इसीलिए किया है कि तीन ग्रुप में आपने बना दिया, उन तीनों ग्रुप को तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे, तो तीन लोग चीजें तीन लोगों में कैसे करते हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से ना। तो बताइए सर्वेश बोलेगा? हाँ सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इन हाउ मेनी वेज can easy 6 toys be distributed among 2 brothers in ratio 2:4? आसान है, जल्दी कीजिए।
क्यों बता दूं? बोलो। हेलो सर, 30 30 एक आंसर आया है, और कोई? 15 6 पे एंटर करके अपन 4 करते हैं। 30 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 30 ही तो हुआ। यस सिक्स टॉयज को 2:4 रेशियो में बांटना है, तो पहले तो आप ऐसे बांट सकते हो उसको, ग्रुप बना लो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों भाइयों में पहले भाई को 2 ही मिले, दूसरे को 4 मिले, और पहले को 4 मिले, दूसरे को 2 मिले, वो दोनों अलग बातें हो गई ना, तो 2 फैक्टोरियल से आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, इसलिए ये और ये खत्म हुआ। आंसर 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इज 30। अरे बात समझ में, बताइए। Yes sir. Yes sir. एक बार वापस बता। एक ग्रुप तो बना लिया 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल तरीके से, दो आपने ग्रुप बना लिया है ना 2:4 रेशियो का। अब दो टॉयज है, दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? 2 फैक्टोरियल तरीके से, इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हेलो। यस सर। बनते ही नहीं है यार। ठीक है, 2:4 में डिवाइड कर दिया, हो गया सर्वेश, आया समझ में? हाँ सर। इन हाउ मेनी वेज? स्क्रीन शेयर चला गया सर। स्क्रीन एक सेकंड। In how many ways can 8 toys be distributed among? Yes, sir. Among 3 brothers, 1 toy, no 2 gets same number of toys and the youngest receives the maximum. अच्छे से ट्राई करो। क्यों नहीं होगा बता दूं? हेलो
हेलो सर, हाँ बोल। 2 मिनट। बता दूं हाँ सर, इतनी शादियां होती है, इतनी शादियां होती है, दिमाग खा गए लोग। देखो बता दूं अब, हेलो, कोई कुछ बोलता ही नहीं है यार। हाँ सर, यस सर, 280। रहने देना भाई, रहने देने इन लोगों को वेटिंग रूम में। टाइम पे क्यों नहीं आते?
अच्छा 280 आंसर है आपका. 280 देखना पड़ेगा. 3 ब्रदर नहीं 280 रॉन्ग है सर. यार देखते हैं सर. 90 नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूट करना है तीन लोगों में, सबको एक 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 मिलना ही चाहिए. तो आप तो केसेस काउंट कर लो, यंगेस्ट को सबसे हाईएस्ट होना चाहिए. तो तीन भाई मैं ऐसे लिख देता हूँ, थ्री ब्रदर्स, नाम दे देता हूँ ए बी सी, और सी सबसे छोटा है. एट टॉयज को कैसे, पहले तो सी को आप सबको एक एक मिलना चाहिए, सिक्स दे दो है ना, इधर वन वन दे दो. सारे केसेस ऐसे ही काउंट करने पड़ेंगे. समझ रहे हो बात को, बोलो. यस सर. सर नंबर नहीं आया, सेम नंबर मिलना चाहिए ना. अरे वाह, फिर तो और भी कम हो गए, ये तो और अच्छी बात है. तो सिक्स हो ही नहीं सकता है, फाइव ही हो सकता है. टू वन है ना, फिर टू वन को वन टू कर देंगे, वो अलग बात है, वो तो बाद की कहानी है, कर देंगे हम लोग. फिर फोर करता हो तो क्या हो सकता है बताओ. थ्री वन बस वही हो सकता है. बस ये दोनों केसेस बने यार, कितनी अच्छी बात है. इधर से क्या बना, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, लिखने की जरूरत नहीं थी, 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल. और 2 1 को आपस में अरेंज भी तो कर सकते हैं, बताइए. अरे बोलो. यस सर. यस सर. और यहाँ 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, और 1 3 को आपस में अरेंज भी कर सकते हैं. कैलकुलेट करके देखो कितना आता है. ना है हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अच्छे से सोचना है आपको. फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ पहला पार्ट, अच्छे से सोचना. एक्स वाई इक्वल्स टू 12, दूसरा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 216. नेचुरल सोल्यूशन मतलब एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए. ऐसे कितने सोल्यूशन पॉसिबल है इन दोनों सवाल के, बताइए.
क्यों बता दूं बोलो एक मिनट का सर फर्स्ट का 3 और सेकंड का 8 फर्स्ट का 3 सेकंड का 8 सेकंड का फिर से चेक करो एक बार फर्स्ट का भी चेक करो एक्चुअली फर्स्ट का 6 है फर्स्ट का 6 आया होगा फर्स्ट का सही है वो तो काउंट कर लिया आप लोगों ने सेकंड का बताओ बता दूं हाँ सर देखो इसको भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे देखो ध्यान से x इंटू y इक्वल्स टू 12 को 2 स्क्वायर इंटू 3 बोल सकते हैं अब आपको ऐसे सोच रहा है कि 2 एप्पल्स है 2 एप्पल्स है जिसे आपको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 एप्पल्स है उसे भी आपको 3 मैंगोस है जिसे आपको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो जो लास्ट लेक्चर का जो लास्ट एग्जांपल कराया था मैंने वही वाला क्वेश्चन हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट 2 एप्पल्स एंड 3 मैंगो या 1 मैंगो 3 रेज टू 1 या ना एंड 1 मैंगो अमंग 2 पीपल कैसे करोगे बताइए 2 apples को दो लोगों में कैसे distribute करेंगे 2 plus 2 minus 1 3c 2 minus 1 into 1 करना है दो लोगों में तो 1 कितना हो जाएगा 2c 1 3 to 2 6 आई बात समझ में बताइए सर बोलो सर सेकंड का 90 है थोड़ा सा calculation mistake कर दिया शायद आपने so, x y z equals to 2 1 6 means क्या और 6 क्यूब है ना ये तो 2 क्यूब इनटू 3 क्यूब तो 3 एप्पल्स 3 लोगों में 3 प्लस 2 5c2 और वापस से 3 मैंगोस भी 3 लोगों में 5c2 10 इनटू 10 यार 100 आ रहा है पूरा पूरी आई बात समझ में बताइए यस सर यस सर देख लो अब देखते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में पहला इन द फिगर फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर है ना रेक्टेंगल और स्क्वायर के नंबर्स बता रहे हैं कितने हैं एक सेकंड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
सेवन टू थ्री फोर फाइव बताओ होगा बता दूं सर 45 स्क्वायर है क्या नहीं सर 160 रेक्टेंगल रॉन्ग है सर 210 अभी सही है सर 50 स्क्वायर सही है बाकी लोग देखो बताता हूं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे आएगा. नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में आप ये सोचो कि ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनमें से कोई भी दो लाइन आप चूज करो और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसमें से कोई भी दो लाइन चूज करो. उन चारों लाइन को मिलके एक रेक्टेंगल ही तो बन रहा है. बताइए भाई बात समझ में. yes, तो आप वर्टिकल लाइंस कैसे सेलेक्ट करोगे. कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 में से कोई भी दो लाइन चूज किया और हॉरिजॉन्टल कितने लाइंस है 5 5 में से कोई भी दो लाइन चूज किया. ठीक है तो जितने भी तरीके से लाइंस ही सेलेक्ट कर सकते हैं उतने रेक्टेंगल बन सकते हैं. 7C2 is 21 5C2 is 10 210 इज द आंसर. अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स की तरफ बढ़ते क्योंकि रेक्टेंगल्स कैसे होता है. दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलके बनता है रेक्टेंगल. बताओ बोलिए. सर नहीं समझ रहा. बताओ रेक्टेंगल कैसे बनता है. अच्छा बताओ कैसे बनता है रेक्टेंगल. बताओ. हाँ सर समझा समझा सर. थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डाल ले समझा. गुड. इस द स्क्वायर्स देखो सोचते हैं. स्क्वायर में देखो तो ये साइज के कितने स्क्वायर बनेंगे. ये साइज का देखो ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 24 बनेंगे है कि नहीं. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल जाने पे 6 वर्टिकल आने पे 4. ध्यान से देखना. एक सेकंड
हॉरिजॉन्टल जाने पे 6, वर्टिकल जाने पे 4। अब फिर साइज हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं, वो 1/1 का था, ध्यान से देखना यहाँ पे 2/2 का अगर देखे हम लोग, 2/2 का देखे तो देखो रेड वाला, ब्लू वाला, ग्रीन वाला, येलो और रेड, कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब हॉरिजॉन्टली 5 ऐसे स्क्वायर्स हैं, और वर्टिकली हम लोग देखें 5 था, काउंट किया था, कोई कंफ्यूज मत करना, प्लस हॉरिजॉन्टली 5, वर्टिकली देखो तो 1, 2, ऑब्जर्व करना है बस 3। मतलब कि हॉरिजॉन्टली 1 कम हो, 6 से 1 कम, तो वर्टिकली 4 से 1 कम। अब इससे ज्यादा बड़ा साइज ले हम लोग, है ना, 5 into 3, इससे बड़ा, मतलब ये 2/2 था, 3/3 साइज का ले तो क्या हो जाएगा, देखो 1, 2, आपको दिख रहा होगा कि 5 से 1 कम आ जाएगा, है कि नहीं, बोलिए। यस सर। तो मैं सीधे ही लिख सकता हूँ, प्लस 5 से 1 कम तो 3 से भी 1 कम, और सबसे बड़ा 4 से 1 कम और 2 से 1 कम आ जाएगा, सो 24 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3 कितना आ रहा है, 15। क्या बाकी लोगों ने ऐसे ही किया था या काउंट किया था, सच बताना सर। हाँ सर, वो रेक्टेंगल का 7C2 × 5C2 कैसे लिखा, वर्टिकल लाइंस में से 7 लाइंस में से कोई भी 2 लाइन चूज किया, तुम ही देखो ना, कोई भी रैंडम सा 2 लाइन चूज करो और कोई भी रैंडम सा 2 लाइन वर्टिकली चूज करो, उन चारों लाइन को मिलके तो एक एक रेक्टेंगल मिल ही जाएगा ना, बोलो। बोल दे भाई। नहीं समझा सर। स्क्वायर को भी रेक्टेंगल अज्यूम किया है, स्क्वायर रेक्टेंगल ही होता है ना मैम, स्क्वायर अलग थोड़ी होता है। देखो जिसको नहीं समझा, कोई भी रैंडम सा 2 वर्टिकल लाइन ले लेता है, ठीक है, ये और ये ले लिया, और कोई भी रैंडम सा 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता है, कोई भी रैंडम सा 2, तो ये चारों लाइन मिलके एक रेक्टेंगल मिल रहा है आपको, बताइए। अरे बोलो। yes, जिसे डाउट था, किसे डाउट था, आपको समझा सर, ये चारों लाइन मिलके कहाँ रेक्टेंगल बना रहे, चारों लाइन मिलके कहाँ रेक्टेंगल बना रहे, ये करण कर लेते हैं, यहां बना रहे, देखा, देखा सर, वो तो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, दिक्कत है, ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होता है क्या? हाँ सर समझा। तो तेरा डाउट मतलब ये था, और मैं इतने अच्छी अच्छी बातें सोच रहा था कि आप स्क्वायर ले रहे हो, रेक्टेंगल बोल रहे हो, पागल है क्या, है ना? नो सर, मस्ती कर रहा हूँ, अभी समझा ना सच में, और वापस से एग्जांपल लेके बताओ, तुझे समझा ना? सर ठीक है, चलिए लिख लीजिए। स्क्वायर्स को भी रेक्टेंगल ही लेते हैं ना हम लोग, स्क्वायर्स भी वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, रोम्बस वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, स्क्वायर वन टाइप ऑफ रोम्बस है, स्क्वायर वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, सब ऐसे लिंक्ड है ना, स्क्वायर सब कुछ है,
स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, एक रोम्बस भी है, एक रेक्टेंगल भी है। हो गया? हेलो यस सर। हाँ बोलो सर, मैंने थोड़ा अलग किया है तो क्या किया आपने बताइए सर। मैंने हॉरिजॉन्टल में सारे बॉक्स में नंबर लिख दिया 1 to 6 तक, 1 to 3 4 5 6 सबको ऐड किया तो वो 21 आ गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में 1 2 3 4 लिखा सबका ऐड किया 10 आया, तो 21 into 10 210 आया। तो क्या ये सारे इसके लिए वैलिड होगा या सिर्फ इसके लिए गलती से सही आ गया? तूने ऐड क्यों किया मुझे ये नहीं समझा, उनको ऐड क्यों करेंगे, क्या लॉजिक है उसके पीछे बताओ, बोलना। कहीं आजकल वो यूट्यूब पे फेसबुक पे वो ट्रिक्स आते हैं कि आप इजीली रेक्टेंगल्स निकाल लोगे, ट्रायंगल्स निकाल लोगे, वो यूज किया है क्या तूने? हाँ हाँ सर। ओ सर, मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा था, तो मम्मी ने बताया। हाँ 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 ऐसे ट्रिक्स होते हैं, सही है, कुछ गलत नहीं है, बट एक्चुअली वो ट्रिक भी ना इधर से ही आता है, समझे बात को? ऐसे ही वो जो ट्रिक यूज करते हैं ना, बहुत ट्रिक्स आते हैं, वो इन सब का यूज करके वो ट्रिक बनते हैं, समझ रहा है हर्षल? यस सर। ये केतन जी बड़ा जल्दी आ गए हैं, केतन केतन। यस सर। इतना जल्दी आया, सो गया था क्या? नहीं सर, आया था। आया था बस सेकंड टाइम तो... जब ज्वाइन किया तब, सेकंड टाइम तूने अभी ज्वाइन किया? हाँ सर। काहे? सर बीच में लाइट का इशू हुआ था इसलिए, वाईफाई भी गया था। बहुत ही नया और अनोखा बहाना है आपका, अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ तो हर्षल, तो आप ये सोचिए कि आखिर 1 + 2 + 3 कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे अगर लॉजिक मुझे बता दे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, सीधी बात, ठीक है? क्यों कर रहे होंगे? हेलो, आवाज आ रही है? तो लॉजिक क्या सोच सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 किया तूने, और 1 + 2 + 3 + 4 किया तूने, तो एक अच्छी बात तो ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 करने से 5C2 आ जाता है ना, देख, और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करने से 7C2 आ जाता है। वेट वेट वेट, तो बात दरअसल ये है कि NC2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n (n-1)/2, और n (n-1)/2 is sum of n-1 natural numbers, क्या बोलते हो, 4 + 5 till n-1 होता है, याद है सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा होगा? यस सर। यस सर, समझ में आया लॉजिक? लॉजिक समझ में आया? यस सर। हाँ सर, ये इन चीजों को फिर ट्रिक बना दिया जाता है और हम लोग मस्त खुश हो जाते हैं ना, बट अच्छी बात है, होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा ट्रिक यूज करके आंसर आ रहा है तो अपने को आंसर से मतलब होना चाहिए, बाकी लोग भी देख लो, ये मुझे भी अच्छा लगा एक्चुअली, सही है, बट उसका रीजन ये है, इसीलिए वो आंसर मिल रहा था अपने को, ठीक है अर्शल? यस। तो स्क्वायर के लिए भी कोई ट्रिक है? किसके लिए? स्क्वायर के लिए हर्षल बता देगा यार, मुझे तो मुझे नहीं पता, मैं ट्रिक यूज नहीं करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। हर्षल कुछ है स्क्वायर का ट्रिक? नहीं सर, पता होगा लेकिन पता नहीं। हाँ होगा, कुछ ना कुछ होगा, बट मुझे भी नहीं पता है ट्रिक, और इतना कुछ ये मेहनत वाला काम भी नहीं है, किसी को देख लो ना, खत्म करो, ऐसे करने में क्या दिक्कत है, ट्रिक देख के ट्रिक मतलब मन करने लगता है जानने का, है ना आकांक्षा? हाँ सर। अरे नहीं, ये भी आसानी है यार, इसको याद रखो ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसी को याद रखो, ये भी ट्रिक ही है, ये भी ट्रिक है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज करके आपको आंसर मिल जाएगा, बस
लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल दूं? यस सर। अगला सवाल करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड एंड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स इन अ चेसबोर्ड। चेसबोर्ड सबको पता है ना कैसा होता है? यस सर। किसी को नहीं पता तो बोल दो, मैं बता देता हूँ। क्या कितना टाइम है अपने पास? 3 मिनट। जल्दी करो या फिर बताऊं? सर ये लास्ट है ना, इसके बाद एंड होएगा ना क्लास। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, चलेगा? चलेगा। ठीक है ठीक है। सेम है, जो ऊपर का लॉजिक था अपना वही लॉजिक लगा के आंसर बताना है इसका। चेस बोर्ड में क्या? हाँ बोलो सर। 204 और 1296। 204 है, 1296। सही लग रहा है। नाइन सी टू कितना आएगा? 36 स्क्वायर क्या होगा? 1296। सही है। और 1 square plus 2 square plus 3 square till 8 square तक जाएंगे तो देख लो कितना आता है, 204 ही आएगा। क्यों? टोटल देखोगे आप तो ऐसा होता है ना, बहुत ही गंदा बनाया मैंने। एक वन का क्यों बनाया, ये कॉपी पेस्ट थोड़ी होगा। बड़ा सब बनाओ क्या डायग्राम में? रहने दू क्या? देख ना, 9 लाइन्स है ना। हाँ हाँ, तेरे इच्छा को मैं ख्याल रखूंगा। मैं देख ले एक मिनट, 9 से 2 है ना, क्योंकि 9 वर्टिकल लाइन्स में से 2 सेलेक्ट किया, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन्स से 2 सेलेक्ट किया, तो कितना हो गया बताओ? 9 से 2 कितना होगा? 36। और 9 से 2 वापस से 36 कितना होगा? 1296। ये हो गया रेक्टेंगल्स। स्क्वायर्स चाहिए तो स्क्वायर में क्या होगा? 1 साइज का 8 स्क्वायर होगा, 2 साइज का 7 स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकली भी 8 हॉरिजॉन्टली भी 8, तो ऐसे ही आएगा ना। प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर टिल कहां तक जाएंगे? 1 स्क्वायर तक जाएंगे। अरे बोलो, आया समझ में? यस सर। यस सर। n * n + 1 * 2n + 1 / 6 204 is the answer. लिख लीजिए। So less than 1 minute is left. कोई नहीं, हो गया, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं होमवर्क का एक क्वेश्चन भेज देता हूँ आपको, ग्रुप में डाल देता हूँ होमवर्क का एक क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर, तो लीव करें? नहीं। हाँ, भाग जा भाग जा भाग जा, चल बाय। बाय सर। बाय सर।